चांदपुर थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम अथाई स्थित बैंक मित्र की शाखा से तीन बाइक सवार युवकों ने तमंचे के बल पर की लूट। तहसील चांदपुर के थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम अथाई पोस्ट बास्टा निवासी सुधीर पुत्र मेहर सिंह बैंक मित्र एवं जन सूचना केंद्र चलाता है। आज शुक्रवार लगभग 12:30 बजे अपने जन सूचना केंद्र व बैंक मित्र में लेन देन का कार्य कर रहा था, तभी तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार आए और 76,000 रुपए की नकदी व मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। मौके से फरार हुए लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़पकंप मच गया तथा थाना कोतवाली चांदपुर टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों ओर दबिश दी लेकिन लुटेरे को कहीं पता नहीं चल पाया। पीड़ित ने तहरीर देकर बदमाशों को पकड़ने की गुहार लगाई। वहीं मौके पर मौजूद बैंक मित्र के उपभोक्ता से भी लुटेरों ने 10,000 लूटने का मामला प्रकाश में आया है। न्यूज फ्रीडम के लिए चांदपुर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला आज का शुरू से बताओ जो आज जी जोर से मेरा यहाँ बैंक मित्र का काम जी यहाँ रोज मेरा लेन देन का काम है 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ जी। मैं सुबह आके मुझे बांटना है, मेरे यहाँ पैसे निकाले जाते हैं, जमा होते हैं, खाते खोले जाते हैं, बैलेंस इंक्वायरी और ट्रांसफर, तो उसमें मेरा काम रोज लेन देन करने का जैसा बैंक का होता है जी। उसके बाद में जो है जो पैसा पब्लिक में बांट निकालना, आज तीन बदमाश है बाइक अपाची गाड़ी उनकी खंभे से आकर खड़े होगी, उनमें से दो व्यक्ति बैंक के अंदर आए साथ है, तो उन्होंने आकर तमंचे को बल से जो पैसा था हमारा वो लूट। कितना पैसा था? लगभग 76,200 कुछ। ये लेकिन फरार हो गए। आपने थाने में तहरीर दी? थाने में दी, चौक पे दी, 100 नंबर सभी पकड़ लिया। क्या लिखवाया उसमें? क्या लिखवाया आपने तहरीर में? क्या लिखवाया तहरीर में? तो उन्होंने एप्लीकेशन टाइप लिया मुझसे। किस क्या क्या लिया? जो वारदात आपने पूछी वही ली। वही ली। हाँ, मेरा नाम राम कुमार सिंह। राम कुमार सिंह, ये आपके साथ जो लूट हुई है क्या पूरा मामला? ये हम शाखा में पैसे निकालने के लिए आए थे। कितने बजे आए थे? लगभग 12:30 बजे का टाइम हुआ जी। तो मैं और मेरी घरवाली पैसे निकालने के लिए आए और हमने हमारी घरवाली के नाम पर खाता है तो उसमें हमने 10,000 रुपये निकाले, तो हमारी घरवाली उस टाइम पर अंगूठा लगाती, तो दो आदमी आए, तो वो आके शराब पी रखी थी, आके मेरे पीछे हो गए, तो मैंने उसकी तरफ को देखा, मतलब इतने कितने शराब पी रखी है। अब शराब पीने में उनसे बोला नहीं, मैंने कोई बात नहीं करी, मतलब बैंक में आते आते आदमी रहना, फिर इतना वो हंसते चले गए। अच्छा। इन्होंने बैंक वालों ने मुझे हमें 10,000 रुपये फोन पर रख दिए, इन भाई साहब दिनों मैंने 56 नोट गिने थे तभी, तो इतने वो बाहर से आए और मेरा हाथ मारा और मेरे हाथ में 10,000 रुपये तो मेरे हाथ में जब 10,000 रुपये लिए तो मैंने जब धक्का मारा तो उन्होंने तभी शटर गिरा दिया और तमंचे काट लिए। तमंचे निकाल लिए। तो इसमें किसी को कोई पकड़ा गया कि फरार हो गए? यहाँ से तो फरार हो गए। तो आपने पुलिस में थाने में तहरीर दी? हाँ, हमने चौकी में तहरीर दी, चौकी में जाएगा, चौकी में तहसील, हाँ कहीं जाएगा, तो तुरंत पुलिस गई थी देखने के लिए, वो अभी तक मिले नहीं। और बैंक वाले उनके बैंक वालों के भी जितने पैसे दराज में वो पैसे लेते हैं। अब आपका न्यूज़ फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ फ्रीडम चैनल, और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।